नवागत जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुरादाबाद में पदभार ग्रहण करने के बाद तूफानी दौरे शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं और चिकित्सीय प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, बेसिकली जो हमारा L2 हॉस्पिटल है यहाँ पर कोविड का, ये 100 बेड MCH हॉस्पिटल है, इसी को हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया हुआ है। आज यहाँ हम लोगों ने अपने पूरी टीम के साथ भ्रमण किया, हमारे CDO साहब, CMO साहब, सभी लोग साथ में थे। जो पेशेंट्स थे उनसे बातचीत भी की गई। पेशेंट्स ने सामान्य तौर से व्यवस्थाओं के बारे में सकारात्मक उत्तर दिए। अभी आने वाले दिनों में हम लोग, चूँकि ओवरऑल केसेस ज़िले में आज की डेट में एक्टिव केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर कोविड की थर्ड वेव का कोई सीन आता है तो उसके लिए हम लोगों को तैयारी करना अभी से बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आज इसका निरीक्षण मैंने भी किया, चूँकि मैं अभी ज़िले में नया नया आया हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि चीज़ों को मैं समझ सकूँ। तो यहाँ पर 40 बेडेड पेडियाट्रिक ICU भी बनाया जा रहा है, जो लगभग अपने निर्माण के अंतिम सोपान में है और अगले एक हफ्ते में निर्माण हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ओवरऑल व्यवस्थाएँ ठीक हैं। जो हमारा निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए हम अपने अधिकारियों से जरूर अपेक्षा करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी एक सप्ताह के अंदर पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाए, जिससे अगर कोई हमें आवश्यकता पड़ती है तो किसी भी तरह का विलम्ब न हो और हम अपने पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें।